हमारे साथ है आप सबकी फेवरेट संगीता चौहान, जो काफी रिलैक्स जोन में है आज। तो बहुत ही ज्यादा रिलैक्स्ड हूँ, मतलब इतने आलस में थी कि मेकअप वगैरह कुछ करने की नहीं सूझी। एंड अपने आप को पैम्पर करने के लिए, कुछ खास अपने साथ करने के लिए आई हूँ। संगीता, क्या क्या प्लान्स किए, क्या क्या करने का मूड है? प्लान तो मेरे, अगर यू नो सेल्फ लव की बात आए तो बहुत सारे प्लान होते हैं लेकिन अभी इतना ज़्यादा स्पॉइल नहीं हो सकती क्योंकि मुझे इसके बाद शूट पे भी पहुँचना है, तो ज़्यादा टाइम है नहीं। जितना टाइम मेरे पास है उतने में जो करवा सकूँगी सब करवा लूँगी, सब करवा लूँगी। ओके, तो रेडी हैं आप अपने आप को पैम्पर करने के लिए? बिल्कुल। तो चले, हम अभी सबसे पहले जाके डॉक्टर से मिलेंगे और मैं उनसे पूछूंगी, मेरे एक दो डाउट्स हैं जो मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, सो लेट्स गो। बहुत अच्छी और बहुत यूज़फुल लगी, और मेरा कंसर्न था स्किन को लेके, जो मुझे जवाब मिल गया है, सो थैंक्स। सो बस उसके बारे में थोड़ा जानूंगी एंड आई थिंक आई विल स्टार्ट। एक चीज़ जो मैं खुद ही कराना चाहती थी जो मुझे यहाँ मिल गई है, डी टैनिंग। मुझे याद है जब होली का शूट हमने किया था स्वाभिमान के लिए, तो मैंने ऐसे स्लीवलेस जो ड्रेस है वो पहन रखी थी और हम धूप में शूट कर रहे थे, तो तब से ये जो लाइन बन गई है ना वो जा ही नहीं रही है, मतलब फुल टैन हो गई हूँ अच्छी तरह से। सो एक डी टैनिंग तो हम करवा ही रहे हैं, और साथ में क्योंकि मैं फेस पर कभी कुछ नहीं कराती हूँ तो आज सोच रही हूँ क्लीन अप ट्राई करूँ। Hectic lifestyle and the shoots that they do, it's mostly outdoors. She really needs a cleanup. So I would suggest a detail cleanup for her face and for her hands and feet. And I'll be happy. So Ankita to काफी excited है अपने इस course. Excited हूँ, जहाँ पे बात pampering की आती है मैं बहुत खुश हो जाती हूँ. Okay, so let's go ahead with your treatment. Yeah. संगीता कितना एंजॉय कर रही है अपना पैम्पर सेशन? बहुत ज़्यादा, हम देख सकते हैं स्क्रब चल रहा है, और यू नो द होल फीलिंग ऑफ यू डूइंग समथिंग बेटर टू योर सेल्फ, समथिंग गुड टू योर सेल्फ, वो फीलिंग ही अलग है, यू नो वो बहुत मुझे लगता है या दोनों स्पेशल फील करा रहे हो मुझे। तो एकदम प्रिंसेस वाली फीलिंग आ रही है। हाँ, सारी सेवा हो रही है मेरी। Yeah, I'm feeling good because वही ये मैंने जैसा बताया था कि ये टैनिंग काफ़ी समय से थी, एंड ये जितने भी ट्रीटमेंट्स हो रहे हैं ये तो मुझे खैर इनसे पूछना पड़ेगा ये क्या चीज़ है। वाओ, सो फिलहाल मेरे फेस पे ये हाइड्रेशन ट्रीटमेंट हो रहा है, सो या जैसा मैंने बताया कि अपने आप के साथ कुछ अच्छा करने वाली जो फीलिंग होती है ना, दैट्स वेरी गुड। संगीता, आपकी आपकी जर्नी की बात करें तो कहाँ से शुरुआत हुई है? शुरुआत मेरी हुई है वापी से ही, जहाँ पे आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप। ऐसा था कि मैं बॉम्बे आना चाहती थी और एक्टिंग करना चाहती थी, लेकिन मेरा कोई लेना देना नहीं था एक्टिंग की फील्ड से, ना मैं किसी को पहचानती थी, सो आई वॉज इन वापी एंड मेरी स्टडीज़ ऑलरेडी चल रही थी बॉम्बे से, इट वॉज अ करस्पॉन्डेंस कोर्स। अगेन मेरी ज़िद पे कि मुझे बॉम्बे जाके ही स्टडीज़ करनी है सो दैट मुझे यहाँ पे
कोई ना कोई ओपनिंग मिल सके फॉर द इंडस्ट्री फॉर एक्टिंग एंड ऑल. सो मिस वापी हैपेंड जहाँ पे मेरी जो ट्यूशन मैन थी उन्होंने मुझे पूछा कि संगीता तेरी हाइट अच्छी डू यू वांट टू पार्टिसिपेट. ऑफकोर्स ने की और पूछ. सो आई वन दैट लकीली. आई डोंट नो हाउ आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि मैं जीतूंगी बट जीत गई. सो आफ्टर दैट मिस इंडिया हैपेंड नेक्स्ट ईयर ओनली एंड देन इट वॉज नो लुकिंग बैक. मिस इंडिया के बाद मॉडलिंग शुरू हो गई. काफ़ी समय तक वो चलता रहा बट मॉडलिंग वॉज नेवर माई थिंग. आई वॉन्टेड टू एक्ट एक्टर्स. तो आई टुक अ ब्रेक फ्रॉम मॉडलिंग कुछ शायद 2014 में एंड एक्टिंग कोर्स किया और फिर मैंने कुछ साउथ इंडियन फिल्म्स के ऑडिशंस दिए एंड अगेन मेरे मैं सरप्राइज हो गई इस बात से बिकॉज मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि उसमें से कुछ वर्कआउट करेगा बट इट डिड. एंड शार्प शूटर हैपेंड. इट्स अ कनाडा फिल्म. व्हाइल आई वाज शूटिंग फॉर शार्प शूटर लव यू आलिया हैपेंड एंड लव यू आलिया के बाद में आई वॉन्टेड टू डू मोर फिल्म्स बट चाहती थी कि तमिल तेलुगू करने का मौका मिले बिकॉज कनाडा हम ऑलरेडी कर चुकी थी. तो ऐसा था कि चलो कुछ और देखेंगे आगे क्या होता है. बट मीन वाइल व्हेन आई वाज इन बॉम्बे मुझे राजश्री से कॉल आया और जब राजश्री का कॉल आया तो आपके बचपन की सारे सपने सारे यादें सब ताज़ा हो जाती हैं ना. हम आपके हैं कौन हम साथ साथ हैं. एंड मुझे लगता है कि नहीं वो तो गलत होगा कि हर लड़की का सपना होता है लेकिन मैं जितनी भी लड़कियों से मिली हूँ जिनके साथ मेरी बातें हुई हैं हर किसी ने ये तो ज़रूर कहा है कि राजश्री के साथ एक बार काम ज़रूर करना है. मेरे लिए भी ऐसा था कि ओ गॉड राजश्री का कॉल है क्या करूँ. एंड देन स्वाभिमान हैपेंड एंड आई एम ग्लैड. आई एम सो ग्लैड कि उन लोगों को मुझ में उनकी मेघना दिखाई दी एंड आई एम हियर. ओके सो हाउ आर यू फीलिंग बीइंग अ राजश्री एक्ट्रेस. अरे एक्चुअली दैट इज़ वेयर आई शुड से कि मैं बहुत ही लकी ब्लेस्ड और प्रिंसेस वाली फीलिंग वो जो है मुझे वहाँ पे आती है. आई रियली फील वेरी स्पेशल बिकॉज आप एक तो एक ऐसा शो आप कर रहे हो स्वाभिमान जैसा जहाँ पे दिस इज़ अ वेरी डिफरेंट कैरेक्टर जो आपको प्ले करने का मौका मिला है प्लस इट्स अ राजश्री शो कलर्स पे 9:30 मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है जहाँ कंप्लेन तो बहुत दूर की बात है. बहुत सारी बहुत ही अच्छी फीलिंग्स है तो आई फील एक्सट्रीमली ब्लेस्ड. ओके सो मॉम डैड के सपोर्ट की बात करें तो फैमिली सपोर्ट कैसा रहा. एक्चुअली मुझे लगता है ये जितना भी मैं जहाँ भी आज पहुँची हूँ ये सब कुछ मेरे फैमिली की वजह से ही है. अगर उनका सपोर्ट ना होता तो आई डोंट थिंक मैं ये सब कुछ कर पाती. आई थिंक मेजर क्रेडिट गोज टू माई फादर. इनिशियली मैं सोचती थी कि यार पापा नहीं करने देते मुझे पापा नहीं करने देते और उन्होंने शुरू में मना भी किया था कि मैं तुझे बॉम्बे नहीं जाने दूंगा और अकेले नहीं रहने दूंगा. एंड इट वॉज ओनली हिज कंसर्न. ये मुझे अब रियलाइज़ होता है. छोटी थी मैं मुझे याद है ये वाली बात मैंने पहले भी कई बार मेंशन की है कि मैं तो बहुत छोटी थी. मैं पढ़ाई कर रही थी एक दिन अपना एग्ज़ाम्स की तैयारी चल रही थी और मेरे मामा जी ने बोला पापा को कि इतना क्यों पढ़ा रहे हो फाइन इसको आखिर में तो चूल्हा चौका ही करना है. माई फादर उनका जवाब ये था कि मैं इसको आत्मनिर्भर बनाऊंगा. कल को इसके लाइफ में कुछ भी हो ये कभी किसी पे डिपेंडेंट ना रहे अपने डिसीजंस खुद ले सके अपनी लाइफ खुद जी सके इसको किसी की ज़रूरत ना हो. और वो बात तब मेरे लिए ऐसा नहीं था कि क्या बोल दिया पापा ने या मुझे इसका मतलब इतना गहराई में नहीं समझ में आया लेकिन वो बात याद रह गई. भूली नहीं मैं उस बात को कभी क्योंकि वो मेरे मामा जी के लिए जवाब था ना. तो और अब जब मुझे वो बात याद आती है यार वो बहुत बड़ी बात थी. तो इट वॉज माई फैमिली सपोर्ट. मम्मी ने तो मुझे हमेशा ओपनली सपोर्ट किया था. मेरा भाई थोड़ा सा इनिशियली उसे कुछ इनिबिशंस थे और वो सोचता था कि यार ये ठीक है कि नहीं दीदी कर रही है. बट मिस इंडिया के बाद में ही वॉज कम्प्लीटली चेंज्ड. मतलब मुझे मेरे फैमिली का सपोर्ट हमेशा रहा. आई डोंट थिंक उनके सपोर्ट के बिना मैं कुछ भी कर पाती. ओके तो बचपन की संगीता के बंकर की बात कर रही हूँ बहुत और है. तो आंखें कब खुलेंगी पता नहीं. तो
आज संगीता जितना बात करती है, जितनी टॉकेटिव है, बचपन में भी वैसी थी, एकदम सीधी सादी। लो दुनिया वालों, ऐसा कुछ नहीं था। अभी ऐसी बातें होती है, जितने भी लोग जो मुझे बचपन में जानते थे, अभी अगर देख रहे हैं तो सुन लो, अब मैं बहुत बातें करती हूँ। मैं बचपन में कुछ नहीं बोलती थी, मतलब मेरा मुँह खुलवाना ना लोगों के लिए टास्क होता था। अगर I was a cry baby first of all. जब मैं छोटी थी ना, मम्मी बताती है, इतना रोती थी, मैंने बहुत परेशान किया है घर पे सबको, क्योंकि मैं हर बात पर रो पड़ती थी। मुझे पेड़े खाने का बहुत शौक था, सो वो स्वीट टूथ बचपन से ही है। और अगर मुझे किसी ने पेड़े नहीं दिए, मुझे सामने दिख गए और नहीं मिले, मम्मी मुझे ये भी बताती है, जब मैं बहुत छोटी थी, ऐसे बेड पे सोते थे बच्चे, बहुत ही छोटी, और दरवाज़ा अगर हवा से खुल गया, मैं सो मैं वैसी थी स्कूल में, बहुत ही इंट्रोवर्ट, शाय, थैंक यू, शाय, और मतलब बस ज़्यादा हो गया। मैं बोलना ही नहीं है, मेरे ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं थे। इनफैक्ट मेरा भाई मुझे हमेशा डांटता रहता था कि दीदी तू फ्रेंड्स क्यों नहीं बनाती है, अकेले घूमती रहती है रेसेस में। तो या इंट्रोवर्ट एंड शाई, बिल्कुल उल्टा इससे। और अब मैं इतना बोलती हूँ, ये देखो ये लोग क्या बोलते हैं, मैं बड़बड़ करती हूँ। ओके, तो टीचर की फेवरेट स्टूडेंट काइंड ऑफ ऐसे कुछ, होपलेस स्टूडेंट, बिकॉज मैं पढ़ाई में भी कभी इंटरेस्टेड नहीं थी। मुझे याद है एक बार मेरी टीचर ने पापा को कहा था, जब हम रिजल्ट लेने गए थे, आई एम नॉट एट ऑल सेटिस्फाइड विद दिस गर्ल, मर गए। It was like that. But after Miss India, you know, I am a proud student because my teachers and principals, and you know, I really feel I'm the blessed one. I'm the lucky child because mujhe felicitate kiya gaya tha, and it was such a huge honor for me where my principals and teachers were there, aur wo sab mujhe, you know, felicitation mein wo sab aaye hain, aur बहुत ही स्पेशल चीज़ थी वो, राइट आफ्टर मिस इंडिया। सो बेशक मैं स्कूल में बहुत ही पुअर स्टूडेंट रही हूँ, इनफैक्ट मुझे जीरो मार्क्स भी आए। ये तो बहुत बड़ा सीक्रेट खुल गया। और मैंने बता भी दिया, ठीक है मुझे जीरो मार्क्स भी आए, मैं पढ़ाई में कभी भी इंटरेस्टेड नहीं थी। बट 10th स्टैंडर्ड के बाद, इनफैक्ट 10th स्टैंडर्ड से मैंने पढ़ाई अच्छी खासी शुरू कर दी थी। उससे पहले तो मतलब मैं सिर्फ सपने देखती थी एक्ट्रेस बनने के, सच में। या बट नाउ आई एम वेरी हैप्पी दैट माई, यू नो, बेशक मैं उनके साथ टच में नहीं हूँ, लेकिन मैं अच्छी तरह जानती हूँ दैट माई टीचर्स एंड प्रिंसिपल, दे आर वेरी प्राउड ऑफ मी। ये उन्होंने खुद मुझे बताया था तब 2008 में मिस इंडिया के बाद। सो ठीक है, इंट्रोवर्ट रही हूँ, शायर रही हूँ, अब मैं बदल गई हूँ, और अब मेरे लोग भी मुझसे खुश है, मैं भी खुश हूँ। Okay, तो ये एक्टिंग का कीड़ा संगीत आपके अंदर बचपन से था या से, जब मैं छोटी थी तब से? मतलब शर्माते हुए एक्टिंग करना, हाँ, मतलब वो भगवान जाने क्या चीज़ है, एक शर्मीली बच्ची एक्टिंग के सपने कैसे देख सकती है। खैर अभी भी मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं पूरी तरह से बदल गई हूँ, अभी भी मुझ में, यू नो, काफ़ी मैं अभी भी काफ़ी सारे इनहिबिशंस हैं। जब मुझे कोई डांस करने के लिए कहता है तो अभी भी मैं बहुत कॉन्शियस हो जाती हूँ, बट आई एम चेंजिंग, आई एम लर्निंग, I'm growing, becoming better day by day. Okay, तो और क्या क्या कहना चाहेंगी अपने बारे में, अपने फैंस को? अपने फैंस को कोई सीक्रेट जो अभी तक छुपा है? इतना बड़ा सीक्रेट तो मैंने बता दिया यार। हाँ, सीक्रेट ऐसे कोई खास नहीं है मेरे पास, मैं बहुत ऑनेस्ट हूँ, और जो भी है अब सब सबके सामने ही है, सबको पता है मेरी लाइफ क्या है। और आई एम हैप्पी सोल, आई थिंक मैं काफ़ी टाइम तक बहुत लॉस्ट रही, और नाउ आई थिंक आई फाउंड माई सेल्फ, एंड हेंस द सेल्फ लव। आई लाइक टू पैम्पर माई सेल्फ, आई लाइक टू कीप माई सेल्फ, माई बॉडी, सोल हैप्पी। सो एंड आई बिलीव के सबको, यू नो, खुश रहना चाहिए। Happiness is the most important thing in life. Yeah, just be happy. तो acting में आपने किसको सबसे ज़्यादा admire किया है? नहीं, मैंने बहुतों को किया है। See, Amit ji, of course. I love Boman Irani, and
या बट फ्यू से फीमेल एक्ट्रेस में कौन कौन है इंडियन एक्ट्रेसेस, तो काजोल हैज़ बीन माई फेवरेट, ऑल टाइम फेवरेट. बट नाउ आई थिंक विद्या बालन जी, आई एडमायर हर, आई लुक अप टू हर. ओके, वन एक्टर हु यू वुड लाइक वर्किंग विद? यू नो, एक सपना है जो पूरा नहीं हो सकेगा. मैं चाहती थी कि मुझे अमरीश पुरी जी के साथ काम करने का मौका मिले, बट अनफॉर्चुनेटली वो हमारे साथ है नहीं, तो वो तो नहीं पूरा हो सकेगा. बट अब अगर आप मुझे मौका दे रहे हो तो मैं अमित जी के साथ काम क्यों ना करूं. या तो शाहरुख, सलमान, आमिर, अमित, प्रभास, बस मेरी लिस्ट छोटी सी है. ओके, तो और यार मैंने काफी कुछ तो बोले, सवाल पूछो. और कुछ कंटिन्यू करना है आप लोगों को? अच्छा, तो माई गॉड, ये कहना चाहिए मुझे. हाँ, सो वी स्टार्टेड विथ क्लिनजिंग, देन ब्लीचिंग, स्क्रबिंग एंड देन मसाज, मॉइस्चराइजिंग, हाइड्रेशन के साथ में, एंड देयर वाज सम हाइड्रेटिंग मास्क ऑल्सो. बहुत ज़्यादा कूलिंग था उसमें, और वो ठंडक का एहसास, ओ माई गॉड, मुझे क्यों जाना पड़ रहा है अभी कहीं पे, मैं सो जाती हूँ यहाँ. It's extremely relaxing and refreshing, I should say. Okay. And our doctor is here. How was the treatment? Must. Enjoy. And Shagupta or Ratna ne, you know the staff, it's very friendly. And services bahut hi achhe lage. Aur already she's glowing, isn't it? Yeah. That's what we said. Yeah, and we were like, ye nayi Sangeeta aa gayi. Yeah. So yeah, I really enjoyed. I hope you keep coming so that we can keep pampering. Yeah, of course, I think I have to, you know, I was really scared jab mujhe inhone kaha ke face pe kuch karna hai. Okay, face, because main to kabhi kuch nahi karati face pe. Aur I'm glad ke maine ye treatment liya, I'm glad ke cleansing kiya. So, I will definitely, because ye jab hydrating products ke bare mein mujhe bataya, de-tanning inhone kaha tha ke hai. So, you know, the sound of it only, कि ओ डिटैन हो जाएगा क्या बात है, ओ हाइड्रेट हो जाएगा क्या बात है, और रिजल्ट देखने के बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो या आई एम हैप्पी, आई थिंक आई विल. ओके, तो जितना मतलब संगीता को आया, आप सब ने कितना एंजॉय किया ये सर? इट वाज वेरी नाइस. इट इज़ अ प्लेजर टू रियली हैव संगीता टुडे एट क्यूटिस, एंड वी वुड वांट हर टू कीप कमिंग. उनको जितना एंजॉय किया वैसे ही हम लोग ने भी एंजॉय किया ट्रीटमेंट करने के लिए. तो संगीता, आप कितनी बार आना चाहेंगी? मैं यहाँ डेफिनेटली आना चाहूँगी दोबारा से. चेहरे को लेके मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई रहती हूँ, लेकिन यहाँ पर जो देखा, मुझे लगता है मैं दोबारा आऊँगी यहाँ पर फॉर श्योर. एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर, थैंक यू सो मच. लास्टली संगीता, अपने फैंस के लिए क्या कहना चाहेंगी? फैंस को यही कहूँगी कि बस आपने, आप देखते हैं, आप ये मेरी लाइफ आपके बिल्कुल सामने है, और जो भी है मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ. सो या आई हैव एन्जॉयड दी सर्विसेज यहाँ पे क्यूटिस में, और आप भी जो भी यहाँ आसपास रहते हैं, बॉम्बे में कहीं पे भी रहते हैं, प्लीज़ एक बार आइए, प्लीज़ एक्सपीरियंस कीजिए. मुझे तो डी टैन का भी फ़र्क दिखाई दे रहा है, एंड आई एम एक्चुअली फीलिंग लाइक अ प्रिंसेस राइट नाउ. मेड मी फील वेरी स्पेशल. एंड प्लीज़ अगर हो आसपास तो डेफिनेटली आइए, बाकी आप स्वाभिमान देखते रहिए और अपना प्यार ऐसे ही हम लोगों को देते रहिए. थैंक यू, थैंक यू. तो ये थी संगीता चौहान हमारे साथ, जिन्होंने अपना स्पा सेशन काफ़ी एंजॉय किया. आपको ये स्पा सेशन कैसा लगा हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए. विद कैमरा पर्सन बाबा जी, काजल मिश्रा, इंडिया फोरम्स, मुंबई. हाय, दिस इज संगीता चौहान, यू आर वॉचिंग मी ऑन इंडिया फोरम्स. प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल.